अब चीन नहीं, भारत करेगा दुनिया पर राज। भारत ने निकाला ड्रैगन का तोड़। किम जोंग ने लिया सबसे विध्वंसक फैसला। नई न्यूक्लियर बमों को देख सहमी दुनिया। दोस्तों, चीन ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि भारत उसकी चालबाजी के तौर के रूप में कुछ ऐसा कर दिखाएगा। ड्रैगन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की काट के तौर पर भारत ने जो किया है, उससे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के होश उड़ जाएंगे। जिनपिंग के बेल्ट एंड रोड मुहिम के टक्कर में भारत ने ट्रायल लेटरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी TDC फंड लॉन्च किया है। हाल ही में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन भारत के दौरे पर आए थे। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, जब भारत के PM नरेंद्र मोदी और ब्रिटिश PM बोरिस जॉनसन की मुलाकात हुई थी, तब दोनों देशों के बीच में ये एक अहम डील भी हुई थी। आपको बता दें कि भारत के साथ ब्रिटेन ने ग्लोबल इनोवेशन पार्टनरशिप यानी GIP लॉन्च किया है, जो कि TDC फंड के लिए एक खाकी का काम करेगा। ड्रैगन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के बारे में तो सब जानते हैं, जिसके तहत ड्रैगन CPAC का निर्माण कर रहा है। इस प्रोजेक्ट के जरिए चीन ने पाकिस्तान अफगानिस्तान के रास्ते यूरोप तक जाने का प्लान बनाया है, और जिस पर भारत ने पहले ही ऐतराज जताया था। इस ऐतराज के पीछे जो वजह है, उसके अनुसार ये कॉरिडोर पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी POK से गुजरता है, जिसे भारत अपना हिस्सा मानता है। अब बात करें भारत के TDC फंड की, तो इसके जरिए इंडो पैसिफिक महासागर क्षेत्र में बड़े पैमाने पर निवेश की तैयारी है। वहीं एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, शुक्रवार को बोरिस जॉनसन की भारत यात्रा के दौरान UK के साथ मिलकर PM मोदी ने इंडिया ग्लोबल इनोवेशन पार्टनरशिप लॉन्च किया है, जिसे सरकार के TDC फंड का ही हिस्सा माना जा रहा है। TDC फंड के जरिए भारत की ओर से जापान, जर्मनी, फ्रांस और यूरोपियन यूनियन के साथ मिलकर काम किया जाएगा। दरअसल PM नरेंद्र मोदी बार बार इंडियन स्टार्टअप के नेशनलाइजेशन का समर्थन करने और भारतीय इनोवेशन को ग्लोबल बनाने की बात करते हैं। इसी के तहत सरकार ने TDC फंड की लॉन्चिंग की है। GIP के थ्रू लॉन्ग टर्म मनी इन्वेस्टमेंट के लिए एक नया GIP फंड एस्टेब्लिश किया जाएगा। भारतीय इनोवेशन का समर्थन करने के लिए इंडियन मार्केट को अतिरिक्त 100 मिलियन पाउंड का भी प्रॉफिट दिया जाएगा। आपको बता दें, भारतीय विदेश मंत्रालय लंबे समय से ऐसे किसी प्रोजेक्ट पर विचार कर रहा था, जिसके तहत इंडियन कंपनी को विदेश में इन्वेस्टमेंट के जरिए इनकरेज किया जा सके। गौर करने वाली बात यह है कि ग्लोबल इनोवेशन पार्टनरशिप के जरिए भारत के 60 जगहों पर निवेश को मदद मिलेगी। तो दोस्तों, चीन के चालबाजी का ये तौर आपको कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वहीं उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने अपने देश के सैन्य अधिकारियों को काफी तेज गति से परमाणु हथियारों का निर्माण करने के लिए कहा है। उत्तर कोरिया के तानाशाह के इस फरमान ने पूरी दुनिया को परेशान कर दिया है, क्योंकि एक तरफ पहले ही यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध जारी है, जिसके कभी भी भीषण और विध्वंसक रूप लेने का डर है, तो दूसरी तरफ सन की तानाशाह के इरादे उसे भी ज्यादा खतरनाक है। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने अपने परमाणु बलों को अधिकतम गति से बढ़ाने की कसम खाई है, और लंबी दूरी की मिसाइल और अन्य हथियारों को प्रदर्शित करने वाली एक सैन्य परेड के दौरान दुनिया के सामने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया है। सैन्य परेड के दौरान किम जोंग उन ने एक भाषण दिया है, जिसमें काफी उकसाने वाले शब्दों का इस्तेमाल किया गया है और परमाणु बमों के इस्तेमाल करने की चेतावनी भी दी गई है। उत्तर कोरिया की सरकारी मीडिया ने किम जोंग उन के भाषण और सैन्य परेड की तस्वीर को जारी किया है, जिसमें दिख रहा है कि परमाणु बम के साथ किम जोंग उन परेड में शामिल हुए हैं। किम जोंग उन ने देश की सैन्य परेड के सामने जो भाषण दिया, उसमें उन्होंने सीधे तौर पर अमेरिका और उत्तर कोरिया के प्रतिद्वंदियों को संबोधित किया है और साफ कहा है कि वो परमाणु हथियारों का निर्माण तेजी से जारी रखेंगे। आपको बता दें कि अमेरिका ने पिछले महीने उत्तर कोरिया पर कई और प्रतिबंध लगाए हैं, क्योंकि उत्तर कोरिया लगातार बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण कर रहा है। किम जोंग उन ने परमाणु हथियारों के तेजी से निर्माण करने की कसम उस वक्त खाई है, जब देश लगातार भीषण आर्थिक संकट से गुजर रहा है और कोविड ने देश की स्थिति को और भी ज्यादा खराब कर दिया है। वहीं अमेरिकी प्रतिबंध पहले ही उत्तर कोरिया की आर्थिक स्थिति को बर्बादी के मुहाने पर ला चुका है, लेकिन इतना होने के बाद भी उत्तर कोरिया के तानाशाह की बम बनाने की विनाशक आदत कम नहीं हुई है। इस साल UN की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि उत्तर कोरिया भुखमरी से गुजर सकता है। आधिकारिक कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी के अनुसार, प्योंगयांग प्लाजा में परेड के लिए एकत्र हुए अपने सैनिक और भीड़ से किम जोंग उन ने कहा, हम अपने देश के परमाणु बलों को अधिकतम गति से मजबूत करने और विकसित करने के उद्देश्य से उपाय को लागू करना जारी रखेंगे। किम ने कहा कि हमारे परमाणु बलों का मूल मिशन युद्ध को रोकना है, लेकिन अगर हमारी जमीन पर कोई अवांछित स्थिति पैदा होती है, तो हमारे परमाणु बलों को युद्ध को रोकने के एक मिशन तक सीमित नहीं किया जा सकता है। किम जोंग उन ने आगे कहा, अगर कोई भी ताकतें, चाहे वे कोई भी हो, हमारे मौलिक हितों का उल्लंघन करने की कोशिश करती है, तो हमारे परमाणु बलों के पास अपने अप्रत्याशित दूसरे मिशन को पूरी तरीके से अंजाम देने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। दोस्तों, रूस ने यूक्रेन में विदेशी हथियारों के ठिकाने को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया है। बताया जा रहा है कि इस गोदाम में अमेरिका और बाकी नाटो देशों से मिले कई हथियार को रखा गया था।
रूसी मिसाइल ने इस गोदाम का चप्पा चप्पा तबाह कर दिया है। ऐसे में इस हमले को रूसी सेना की बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। दरअसल इन्हीं हथियारों के दम पर यूक्रेनी सेना ने रूस को कड़ी टक्कर दी है। ऐसे में रूसी सेना ने खुफिया जानकारी के आधार पर ओडेसा में एक लॉजिस्टिक टर्मिनल पर मिसाइलों से हमला किया है। रूसी सेना ने ओडेसा के लॉजिस्टिक टर्मिनल पर हमले के लिए इस्तेमाल की गई मिसाइल का नाम नहीं बताया। हालांकि रूसी रक्षा मंत्रालय ने ये जरूर कहा कि इस मिशन को अंजाम देने के लिए सटीकता के साथ हमला करने वाली एक घातक मिसाइल का इस्तेमाल किया था। विशेषज्ञ का दावा है ये मिसाइल इस्कंदर हो सकती है। हालांकि यूक्रेन ने भी मिसाइल के नाम की पुष्टि नहीं की है। एक ऑनलाइन पोस्ट में रूसी रक्षा मंत्रालय ने कहा कि रूसी सेना ने शनिवार को 200 यूक्रेनी सैनिकों को मार डाला था और 300 से अधिक वाहनों को नष्ट कर दिया था, जिसमें से कुछ बख्तरबंद थे। जवाब में यूक्रेनी सेना ने भी मारे गए रूसी सैनिकों की संख्या को जारी किया है। हालांकि दोनों देशों के दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो सकी है। इसके बावजूद यूक्रेन का दावा है कि पिछले 60 दिनों के युद्ध में 21,800 रूसी सैनिक मारे गए हैं। यूक्रेनी सेना ने रूस के सैन्य उपकरण और मशीनरी को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया है। उन्होंने दावा किया कि लड़ाई के दौरान रूस के 873 टैंकों को नष्ट कर दिया गया है। इसके अलावा 2,238 बख्तरबंद वाहन, 179 विमान, 154 हेलीकॉप्टर और 408 आर्टिलरी सिस्टम को भी बर्बाद किया गया है। रूसी सेना ने 24 फरवरी को यूक्रेन पर हमले की शुरुआत की थी, जिसके बाद बेलारूस के रास्ते में बड़ी संख्या में रूसी सैनिकों ने राजधानी कीव को घेर लिया था। दोस्तों, पाकिस्तानी लड़ाकू विमान ने एक बार फिर सीमा का उल्लंघन कर अफगानिस्तान में बमबारी की है, जिसके बाद एक्शन में आए तालिबान के लड़ाकों ने पाकिस्तानी विमानों पर एंटी एयरक्राफ्ट गन से फायरिंग की है। पाकिस्तान के इस हवाई हमले में कई अफगान नागरिक के हताहत होने की खबर है। हालांकि अभी तक किसी के मौत की पुष्टि नहीं की गई है। पाकिस्तानी लड़ाकू विमान ने चंद दिनों पहले भी अफगानिस्तान के काफी अंदर घुसकर एक शरणार्थी शिविर पर गोलीबारी की थी। इस हमले में 41 अफगान नागरिक की मौत की पुष्टि हुई थी। अफगानिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार बिलाल सरवरी ने ट्वीट कर बताया कि पाकिस्तानी लड़ाकू जेट कल रात खोस्त और लोंगार प्रांतों के कुछ हिस्सों में उड़ रहे थे। तालिबानी सैनिक ने एंटी एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तानी विमानों पर फायरिंग की। उन्होंने दावा किया कि लोंगार और खोस्त प्रांत के कई निवासियों ने इस घटना की जानकारी दी है। पाकिस्तान के उत्तरी वजीरिस्तान क्षेत्र के एक सैन्य चौकी पर एक दिन पहले ही आतंकी हमला हुआ था। इस हमले में पाकिस्तानी सेना के 3 जवान मारे गए। दोस्तों, अंत में हम आपसे एक महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने जा रहे हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर आप इंडियन आर्मी मर्चेंडाइज खरीदकर सपोर्ट कीजिए और पूरे देश का हौसला बढ़ा दीजिए। जाने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।